नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में। आज हम खड़े हैं रवि रत्ना स्कूल के प्रांगण में, तो आइए हमारे साथ अंदर प्रवेश करके देखते हैं यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है। साथ में मैं अपने चैनल के सौजन्य से एक संदेश देना चाहता हूँ, जब कभी भी आपको कहीं भी फौजी भाई मिले तो उन्हें हृदय से सैल्यूट करके जय हिंद कहें, क्योंकि हम सिविलियंस का वजूद कहीं ना कहीं हमारे देश के सेना के कर्तव्य निष्ठा की वजह से है। मैम, थैंक यू। The support girls sitting at the back, and these are the future of our nation. So it is very important that they should be aware of, you know, the health load, you know, on the healthcare system of cancer especially. So I'll be starting mainly about two main cancers, that is cervical cancer and breast cancer, that I'll be talking about. And another common epidemic literally in all these girls nowadays is polycystic PCOS. That was something I really wanted to tell these young girls about, because this is a major, major problem now that even teenagers, 12, 13 year girls are facing with PCOS. It is no longer called PCOD, remember this. Okay, I'll be starting. Let me tell you, earlier, पहले के जमाने में क्या होता था कि cervical cancer जो कम होने था र पनि हामी तपाईहरुको प्रशंसामा एउटा सानो पत्र सम्मान पत्र लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। र यो त्यसैले सम्पूर्ण इनर्गिल क्लबका सदस्यहरू साथै मुख्य अतिथिलाई मेरो सम्मान जनाउँदै यो सम्मान पत्र पढ्न गइरहेकी छु। सभापति सचिव फोटोको लागि, र साथै सर पनि यहाँ, जसले चाहिँ प्रतियोगितामा करता हूँ। तो आज जो रवि रत्ना ढूंगाना स्कूल में आज आप लोगों का जो प्रोग्राम रहा, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या रहा और आगे आप लोगों का क्या है उद्देश्य, अपना परिचय देते हुए। अच्छा, मैं ये इनर्गिल क्लब जो हमारा ऑल इंडिया ऑल एक्चुअली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिया में 27 डिस्ट्रिक्ट्स है और हमारा 3-4 एक जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं ये डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। और आज आपका नाम मैम? मेरा नाम है काकोली चौधरी। और ये आज जो हुआ, ये रवि रत्न स्कूल में हमारा डिस्ट्रिक्ट का क्लब इनर्वील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन, इन लोग ये स्कूल को अडॉप्ट किया है और इन लोग इधर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इनमें से एक काम आज था, वो डिजिटल कंप्यूटर लैब उद्घाटन करना है। सो इसी के लिए मैम के माध्यम से जो मैंने सुना, तो मैम उसके बारे में आपका संस्था और बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए भी क्या कुछ भावी भविष्य में करने वाली है इस तरह का? हाँ, कुछ ये तो हमारा चल ही रहेगा, ये हेल्थ कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स, इनोविंग का सबसे बड़ा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये
ऐसा हेल्थ कैंप करके जब हम कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे और इसके ऊपर जानकारी देने के लिए, इसी ऐसे ही हमारा है। मैम आप अपना परिचय देते हुए बताइए मैम आज के बारे में थोड़ा सा, मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में। मैं इनेबल क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिडटाउन की प्रेसिडेंट रिंकू, और बाकी सब टीम मेंबर्स के सपोर्ट से हमारा ये काम होता है, पूरे साल होता है ये। यस मैम। तो जैसे कि आज आपने सुना हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से भी कि आज हम डिजिटल लर्निंग की तरफ फोकस कर रहे थे बच्चों को, जैसे डिजिटल लर्निंग का लैब ओपनिंग हुआ है, आज इनॉग्रेशन हुआ है कंप्यूटर लैब का, और स्कूल में जितना वाइट वॉश है, टाइल्स भी लगाया गया है, जो भी ज़रूरतें हैं हम धीरे धीरे उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जैसे इसके साथ साथ हमने कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गर्ल्स के, यंग गर्ल्स के बीच में, जैसे सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन है, कितने लोगों को पता है कि सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन है और ये लेना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि पोलियो और जैसे कोविड का इंजेक्शन हम ले रहे हैं, डोजेस ले रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने गर्ल्स को जागरूक किया कि वो घर जाए, अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करें कि ये 9 साल की उम्र से ये इंजेक्शन ले सकते हैं, किसी गायनों के पास जाए उसके अंडर में ये इंजेक्शन लगवाए। और काफ़ी सारे प्रोग्राम जैसे कराटे प्रोग्राम चलता है, बच्चे स्टेट लेवल में क्लियर कर चुके हैं, नेशनल्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी सारे वोकेशनल सेंटर्स यहाँ पे सेंटर्स की ओपनिंग हो चुकी है, जैसे टेलरिंग है, मेहंदी है, सब क्लासेस पहले से ही शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं, ये आगे और भी ऐड ऑन करेंगे आने वाले दिनों में, और भी बहुत कुछ ऐड ऑन होते रहे। मैम जैसे विनीता मैम ने बता रही थी और हम लोग समाज में भी देखते हैं कि जिस डिजीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा किया उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेम के कारण आदमी खुल के नहीं आ पाता है, तो आपके दृष्टिकोण से कैसे इस को और ज़्यादा जागरूक बनाया जाए लोगों को? इसके लिए तो हमें बच्चों को जैसे आज कहाँ अपने पेरेंट्स से जाके डिस्कस करें, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ साइड हो जाएगी अपने आप। आज पेरेंट्स से करेंगे, कल रिलेटिव से करेंगे, फिर बाहर आके पब्लिक में करेंगे, अवेयर करेंगे, तो यहाँ घर से शुरू होगी ये शेम हटाना। बोलते ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये हम लोग को घर से करना पड़ रहा है, इसीलिए आज हमने बच्चों को भी कहा गो एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से करेंगे तो वो खुलेंगे। और सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा कि आप लोग सोशल मीडिया, आप लोग मीडिया के थ्रू भी मतलब ये बीच बीच में जो एड्स है ये सब है चलाते रहिए इसके बारे में और लोगों को जानकारी देते रहिए, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके समाज में ये सारी जो शेम चीज़ है वो दूर हो जाएगी। अब बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। स्वागत है मैम आपका स्कूल में, रवि रत्ना स्कूल में क्या अनुष्ठान रहा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इस स्कूल का TIC रोहा प्रधान हो, आज वो क्या इवेंट था मतलब हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो कंप्यूटर लैब का उद्घाटन, जो इनर वी कब ने हमारा लैब पहले था उसको इनर अच्छी तरह से उसका सुंदरीकरण कर दिया, और इनर वी कब से अब वो कंप्यूटर लैब में और डिजिटल लर्निंग का प्रोसेस में और उन्नति करने के लिए मैम बोली है जो DC मैम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो उसमें हम उन्नति करने के लिए और हम आगे बढ़ने के लिए हम ये आज उद्घाटन हो गया है हमारा वो इसका कंप्यूटर लैब का। और यहाँ पे इनर वी कब हमसे 10 ईयर्स हो गया जुड़े हुए हैं, उसमें कराते मेहंदी दो जो जो कार्य है वो जो बच्चे लोग कर नहीं पाते थे ऐसे पैसे दे के, लेकिन वो हमें स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लड़की लोग का जो नेसेसिटी है वो फुलफिल भी हो रहा है, और कराते करके वो बच्चे लोग थोड़ा उसका स्वनिर्भर भी हो गया है, दूसरा स्कूल में वो अभी इंस्ट्रक्टर का काम भी कर रहे हैं, ऐसे हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इनर व्हील क्लब हमारे स्कूल को एडॉप्ट करके और अच्छे बनाएंगे हम दोनों स्कूल तरफ से, और इनर व्हील मिल के इस स्कूल को सुंदर करने के लिए हमारा वो लक्ष्य है। धन्यवाद मैम। मैम
सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को मेरे पूरे टीम के तरफ से हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रवि रत्ना स्कूल के प्रांगण में इतने अच्छा जागरूकता एक अभियान चला करके बच्चों को आपने इस तरह का एक भयानक राक्षस रूपी डिजीज से लड़ने का एक रास्ता बताया विनीता मैम के माध्यम से। तो आप सभी को मेरे समस्त टीम की तरफ से एक बार और हेड्स ऑफ और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम।